पराक्रमी पुत्रों की उत्पत्ति होने से पूर्व भी माता को स्वप्न आया करते हैं। इन स्वप्नों के बारे में भी आप ध्यान रखें, अगर कभी आपको आए तो घबराएं नहीं, वैसे आएंगे नहीं पंचम काल में, फिर भी कभी छोटे रूप में भी आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं कुछ अच्छे स्वप्न। स्वप्न में सुमेरु पर्वत दिखाई देता है तो उसका फल होता है कि तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होगा। स्वप्न में कभी सूर्य दिखाई दे तो समझना कि तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा। स्वप्न में कभी चंद्रमा दिखाई दे तो समझना तुम्हारा पुत्र तीन लोक के लिए आह्लाद उत्पन्न करने वाला होगा। स्वप्न में कभी सागर दिखाई दे तो समझना तुम्हारा पुत्र गुणों से गंभीर और चरित्रवान होगा। ये अनेक तरह के स्वप्नों के फल देखने को मिलते हैं। और जब इस तरह के चक्रवर्ती और कामदेव सदृश पुत्रों की उत्पत्ति होनी होती है तो माता को इस तरह के स्वप्न आते हैं। ध्यान रखें, वर्तमान में भी इस तरह के दोहले माताओं को हुआ करते हैं। आचार्य गुरुदेव के बारे में सुना जाता है कि जब वह गर्भ में थे तो उस समय पर भी उनकी मां ने रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन किए थे आकाश में विचरते हुए। और इस तरह के सपनों के फल से ही यह परिणाम निकलता है कि वह पुत्र धर्म मार्ग के नेता बनते हैं, धर्माचार्य बनते हैं। ये सपनों के फल हमेशा अच्छे दिखाई देते हैं। आप इन सपनों का भी विज्ञान समझना।